कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो हेलो दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा 2001 में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस फिल्म को ना देखा हो। बच्चा बच्चा सनी देओल का कम तारा सिंह का ज्यादा फैन था, और वो हैडपंप उखाड़ने वाला सीन भाई इसे तो कोई कभी भी भुला नहीं सकता। एक ऐसा रिवोल्यूशनरी फिल्म थी बॉलीवुड सिनेमा की जिसमें मासी एक्शन की कोई कमी नहीं थी। एक्शन के मामले में दूर दूर तक उस जमाने में तो क्या आज भी इस फिल्म से कोई टक्कर नहीं ले सकता। इस फिल्म के कैरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले, स्टोरी राइटिंग, बीजीएम, वीएफएक्स, सॉन्ग्स और ऐसे ऐसे दमदार डायलॉग, कुल मिलाकर पूरी फिल्म का कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग। हर दिन जबरदस्त तरीके से हाउसफुल शोज देकर इस फिल्म ने ऐसा इतिहास लिखा था जिसको आज भी हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों इस फिल्म ने उस जमाने में अपने कंटेंट के दम पर 10 करोड़ से ऊपर टिकट बेचे। अगर आज के टाइम से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लगभग 2000 करोड़ से ऊपर जाने से इस आंकड़े को किसी का बाप नहीं रोक सकता। जी हां दोस्तों, मूवी का बजट लगभग में लगभग 18 से 19 करोड़ के बीच में था और उस टाइम पर इस फिल्म ने लगभग 133 करोड़ के आसपास बिजनेस करा था, जो कि एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। जहाँ दोस्तों इस फिल्म का सिक्वल यानी गदर 2 आपको फिर से जल्द ही सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, वो भी अगस्त में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग फिर से इस एक्शन मसाला और धांसू लव स्टोरी को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म कल 9 जून को दोबारा से थिएटर में रिलीज कर दी गई है, मतलब रिलीज कर दी गई है। भाई साहब, ऐसी बड़ी फिल्में तो टीवी या फिर मोबाइल में देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत हद तक और भी ज्यादा सुधार करके इस फिल्म को दोबारा जनता के लिए थिएटर में लगाया गया है, जिसमें बीजीएम इस बार क्या धांसू लग रहा है, आपके होश उड़ जाएंगे, हर सीन्स पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, भले आपने ये मूवी देखी क्यों ना ली हो तब भी। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार देखा है। VFX का और भी सही तरीके से यूज करके इस फिल्म को जबरदस्त चमका दिया गया है। क्वालिटी ऑफ दिस मूवी एक्सपेंस इनटू 4K, मतलब फुल पैकेज है भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है। और हम सभी का फेवरेट द मोस्ट हजार्डस क्लाइमेक्स सीन ऑफ दिस मूवी, वो हैडपंप उखाड़ने वाला सीन, भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो यार जाके इस बड़ी मूवी को बड़े पर्दे पर जरूर देखो एक बार, और क्योंकि इसका फुल मजा तो थिएटर में ही आने वाला है। और अगर आज की जनरेशन में इस फिल्म को नहीं देखा है तो बेटा एक बार एंजॉय करके आओ उस सिनेमा को जो अपने टाइम पर नंबर 1 पर चल रहा था, जहां एक तरफ आज की फिल्में हजार का कलेक्शन पार करने में हालत खराब हो जाती है इन फिल्मों की, तो वहीं आज के टाइम से अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 2000 करोड़ का आंकड़ा हमसे पार किया था इस फिल्म ने अपने उस जमाने में, मतलब 22 साल पहले। मतलब बाहुबली 2 का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी आज के हिसाब से उस जमाने में तोड़ दिया था। दोस्तों जब पठान ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था तो सभी लोग कह रहे थे बॉलीवुड हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है अभी तक की। लेकिन 22 साल पहले इस गदर ने क्या गदर मचाई थी। इस आंकड़े को अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो अमेजिंग कलेक्शन था उस टाइम के हिसाब से। जी हां दोस्तों, पठान का बजट था लगभग 250 करोड़, इस फिल्म ने कमाए थे 1000 करोड़, मतलब अपनी कमाई का 4 गुना कमाया था इस फिल्म ने पठान ने। दूसरी तरफ गदर ने 18.5 करोड़ का बजट खर्च करके लगभग 133 करोड़ की कमाई अपने खाते में रखी थी, मतलब अपनी लागत का 7 गुना कमाया था उस जमाने में, जो साबित करता है कि मूवी कितनी बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। दोस्तों गदर एक प्रेम कथा की जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि रिजल्ट और कंटेंट का दम हम सब जानते हैं बाखूबी। और इसी के साथ लोग गदर 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि अगस्त में रिलीज हो जाएगी। और एक बार फिर ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करके नए नए रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, तो सबसे पहले जाके इसके पहले पार्ट को जरूर देख लें ताकि आने वाले सेकेंड पार्ट में आपको कहानी पूरी क्लियर एंड कट हो। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल आप लोगों के लिए ये है कि गदर एक प्रेम कथा ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी थी। दूसरा, इस मूवी का गोल्डन क्लाइमेक्स सीन हैडपंप उखाड़ने वाला आपको कैसा लगा था, नीचे फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।